एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है गाइस? चलो मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में पहले आपको बताती हूँ. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? जब हम लोग बात करते हैं आप सोच रहे हो कि एंटरप्रेन्योर एज अ सिनोनिम जो है, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को और बिजनेस को एज अ सिनोनिम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें एक नहीं है, ये दोनों चीजें कंप्लीटली डिफरेंट है गाइस. बिजनेसमैन तो हर कोई होता है, ठीक है? आप गए अपने सीमेंट की दुकान खोल के बैठ गए, ठीक है? आपने क्या किया, प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ली. ये क्या है, ये बिजनेसमैन के काम है. लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ये बिजनेसमैन जैसा ही होगा, लेकिन इसमें दो चीजें एडेड होंगी. क्या है उसमें, इसमें आएगा आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जब आप एक नए आइडिया के साथ मार्केट में उतरते हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के कोई इनोवेटिव फीचर ऐड करके, या फिर कंप्लीटली नया प्रोडक्ट लॉन्च करके, या फिर कोई नया मार्केट सेगमेंट आप टारगेट कर रहे हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मतलब आप कुछ अलग कर रहे हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, ठीक है? कोई नया ऐसा मार्केटिंग चैनल यूज कर रहे हो जो अभी तक किसी ने नहीं किया, किसी नए सप्लायर को आपने ढूंढ लिया, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ठीक है? जब आप कोई नई चीज लेके मार्केट में उतरते हो जो अभी तक किसी ने नहीं करी है, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है. द एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? आपको पैसा कमाना है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट अर्न करना है, एंड अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी है, ठीक है? किन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से? रिस्क टेकिंग, ऑफ कोर्स जो बिजनेस में होता है, ठीक है? एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस ही है, लेकिन जिसमें हमारा इनोवेशन भी होगा. मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड इनोवेशन, ठीक है? सो एंटरप्रेन्योरशिप जो टर्म है ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, एंड ऑफ कोर्स इसकी हर एक सिचुएशन में एक अलग मीनिंग होती है. जैसे कि मैंने बताया ना आपको, अलग सप्लायर आप ले लो, अलग मार्केट टारगेट कर लो, अलग प्रमोशनल टेक्निक देख लो, तो ये क्या है, ये अलग अलग वेज ही हैं जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कंप्लीटली नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरे हो, जब पहली बार हमारा किसी ने हैंडसेट लॉन्च करा होगा, वो एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है? जो पहला मूव लेता है किसी भी नए इनोवेशन की तरफ, ठीक है? सो पीटर एफ ड्रकर है ये, ओके? ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है इनके अकॉर्डिंग? एंटरप्रेन्योरशिप इज नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ प्रैक्टिस, ठीक है? ना ही ये साइंस है कोई, ना ही ये आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है, एक नॉलेज बेस्ड जो है मेथड है, ठीक है? नॉलेज इन एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मीन्स टू एन एंड, एंड दैट इज बाय द प्रैक्टिस,